जो एक्चुअली मैंने और भी कुछ सोचा था मंगाने के लिए, लेकिन फाइनली मैंने इसको डिसाइड किया और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैंने एक मंगाया है DJI Mavic Mini ड्रोन, जो एक्चुअली मैंने और भी कुछ सोचा था मंगाने के लिए, लेकिन फाइनली मैंने इसको डिसाइड किया और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, तो इसलिए मैंने इसको सोचा लाने के लिए। तो चलिए उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं कि कैसा है और कैसा वर्क करता है और क्लैरिटी कैसी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो पूरा मैं उसको आपका वीडियो व्यूज़ वगैरह सब दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मुझे कुछ पैकिंग इस तरह का आया था। मैंने एक्चुअली इसको खोल के थोड़ा चार्जिंग के लिए, मतलब थोड़ा देर के लिए, मतलब चार्ज कर लिया था क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो इसके लिए। और कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रहा Mavic Mini, ठीक है, 249 ग्राम्स। और कुछ बॉक्स इस तरह का दिखता है, ठीक है, ऐसा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये रहा हमारा ड्रोन। ये कुछ चार्जर है, ठीक है, इसको साइड करते हैं। और ये रहा हमारा ड्रोन, जिस तरह का बहुत ही प्यारा लुक से छोटा ड्रोन है ये, Mavic Mini कहते हैं, DJI का सबसे छोटा ड्रोन है। तो इस तरह का कुछ लुक्स है इसका, आप देख सकते हो। और ये रहा कैमरा इसका, तो इसको साइड करते हैं। और ये रहा उसका रिमोट कंट्रोलर, कुछ इस तरह का है। तो और कुछ इसमें आइटम्स वगैरह भी बहुत सारे हैं। पहले कुछ कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। ये कुछ इसके गाइडलाइंस के लिए कुछ दिया है। उसके बाद बहुत सारा कुछ गाइडलाइंस के लिए है, और कैसे यूज़ करना है, क्या मतलब इसका टाइमिंग रहेगा, क्या रहेगा, ये पूरा सेटअप और गाइडलाइंस है इसका। तो इसकी ज़रूरत में ख़ास नहीं है, देखेंगे फिर। तो इसमें क्या है, ये बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लेड्स वगैरह दिया है, मतलब जो इसकी फैन है। और ये रहा आपका एक स्क्रू ड्राइवर है। और ये एक्चुअली कॉर्ड है, ठीक है, मतलब आप अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग सा यूज़ करने के लिए, जो RC के लिए, मतलब जैसे आप आईफोन के लिए यूज़ करते हो अलग सा, और सी केबल है तो आपको अलग सा यूज़ करना है। तो इस तरह का सब अलग अलग केबल्स है, इस तरह का कुछ पैकिंग है। तो चलिए इसको छोड़िए। और ये रहा कंट्रोलर के ऊपर का, जो आप कह सकते हो जो कंट्रोल करने के लिए, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और हाई के लिए कवर करने के लिए वो है कुछ। तो कुछ दोस्तों इस तरह का कुछ था। तो एक बार ड्रोन का लुक्स देख लीजिए, कितना शानदार लुक्स है, देखिए ना, एकदम छोटा सा ये है, मतलब आप इसको कैरी करने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लेके जा सकते हो। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए है, और ये है इसका मेमोरी कार्ड का, ठीक है। और इसकी फ्लाइट जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स की है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लाइट टाइमिंग अच्छी खासी दी हुई है, बहुत ही प्यारा लुक्स है। तो चलिए हम लोग इसको उड़ा के देखते हैं और कैसा लुक्स आता है और कैसा व्यू आती है, जो कैमरा क्वालिटी कैसी है, मैं आपको पूरा वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उस वीडियो के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो साफ जगह में रखें। अभी जो मौसम है वो बहुत ही मतलब अच्छा मौसम है, मतलब क्लैरिटी की वाइज से देखा जाए तो पूरा हरा भरा मौसम है। तो इस पे उड़ाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहने वाला है। देखते हैं कैसा आ रहा है वीडियो क्वालिटी। तो चलिए ऊपर उड़ा के इसको देखते हैं।
मैंने ज़्यादा ऊपर तक नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा ऑपरेटिंग करना भी सही से नहीं आया है। और रही क्लैरिटी की, क्लैरिटी बहुत ही मस्त है, मतलब इसमें जो क्वालिटी आप देख रहे हो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आगे बहुत सारे वीडियो में मैं ड्रोन यूज़ करूँगा तो उसका वीडियो आपको आएगा, वो ज़रूर देखना। ओ शिट यार, पानी में गिरते गिरते बचा है यार, इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरी है इसको उड़ाने के लिए। और ये कुछ हमारे इलाके का मतलब आउटसाइड का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्लैरिटी में तो बहुत ही मस्त है यार। तो दोस्तों कुछ इस तरह का वीडियो था, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी ड्रोन का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।